चलाते हैं। मेरा ये वीडियो बहादुर शाह जफर पर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। बहादुर शाह जफर का जन्म 24 अक्टूबर 1775 ईस्वी में हुआ था। इनका पूरा नाम मिर्जा अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर था। इनके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय और माता का नाम लालबाई था, जो एक हिंदू राजकुमारी थी। इनके पिता की मृत्यु 18 सितंबर 1837 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता की मृत्यु के बाद ये मुगल शासक बने और ये मुगलों के 19वें और आखिरी शासक थे। असल में इनके पिता नहीं चाहते थे कि बहादुर शाह जफर मुगल शासक बने, बल्कि इनके पिता चाहते थे कि बहादुर शाह जफर के बड़े भाई मिर्जा जहांगीर मुगल शासक बने। लेकिन मिर्जा जहांगीर ने अंग्रेजों पर हमला कर दिया और इसलिए अंग्रेजों ने मिर्जा जहांगीर को मार दिया, इसलिए बहादुर शाह जफर को मुगल शासक बनाया गया। जब ये मुगल शासक बने, उस वक्त मुगल काफी कमजोर थे। इन्होंने 1857 की क्रांति में भारत के लिए काफी अहम भूमिका निभाई थी। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ जाने के कारण इन्हें रंगून म्यांमार में भेज दिया गया था। ये उर्दू के काफी जाने माने कवि भी थे। सोचिए, जब अकबर मुगल शासक थे, उस वक्त मुगलों का राज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत पर था। लेकिन बहादुर शाह जफर जब मुगल शासक बने, उस वक्त मुगलों का राज सिर्फ दिल्ली पर ही था। यह इसलिए हुआ क्योंकि मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो दूसरे मुगल शासक आए, वो काफी कमजोर थे और इस बात का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने मुगलों के इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया। लेकिन बहादुर शाह जफर दिल्ली पर राज करके ही खुश थे। बहादुर शाह जफर हिंदू मुस्लिम एकता के भी सपोर्टर थे। जब ये शासक बने, उस वक्त इन्होंने गौहत्या पर भी रोक लगा दी थी। बहादुर शाह जफर एक सच्चे देशभक्त थे। जब 1857 की क्रांति में ये लड़ने आए, उस वक्त इनकी उम्र करीबन 80 साल थी। 1857 की क्रांति में मेरठ से जो क्रांतिकारी आए, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता बताते हुए बहादुर शाह जफर को अपना लीडर घोषित कर दिया था। इससे पता चलता है कि बहादुर शाह जफर का महत्व उस वक्त कितना था। जिस वक्त उन्हें एक कमजोर शासकों में गिना जाता था, उस वक्त भी उनका महत्व अकबर और शाहजहां जैसे मुगल शासकों जैसा ही था। मेरठ से जो सिपाही आए थे, वो दिल्ली अगले दिन सुबह पहुंचे और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन पर भी रोक लगा दी थी। बहादुर शाह जफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक सेना का नेतृत्व किया था। पहले तो भारतीयों को 1857 की क्रांति में सफलता मिली और उन्होंने सोचा कि अब उन्हें आजादी भी मिल जाएगी, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने भारतीयों को हरा दिया। जब बहादुर शाह जफर को लगा कि अब भारतीय हारने वाले हैं, तब उन्होंने हुमायूं के मकबरे में अपने बेटे मिर्जा मुगल, मिर्जा खिजरू सुल्तान और पोते मिर्जा अबू बकर के साथ शरण ली, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इन सभी को पकड़ लिया था। क्रांतिकारियों की मदद करने के लिए बहादुर शाह जफर को रंगून म्यांमार में भेज दिया गया था। 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को रंगून म्यांमार में भेज दिया गया था। जब एक बार उन्होंने अंग्रेजों से खाने के लिए मांगा, तब अंग्रेजों ने उनके बेटों के सिर काटकर बहादुर शाह जफर को दे दिए। इस बात से बहादुर शाह जफर काफी नाराज हुए थे। वो अपने कुछ परिवार के साथियों के साथ और अपनी पत्नी जीनत महल के साथ रंगून में रहते थे। उनकी मृत्यु रंगून में ही 7 नवंबर 1862 ईस्वी को हो गई थी। उन्हें वहीं दफना दिया गया था रंगून में, जहां पर उनकी मृत्यु हुई से वहां से थोड़ा ही करीब। मुगल सल्तनत का अंत। 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर के ज्यादा से ज्यादा बेटों को अंग्रेजों ने मार दिया। इससे उन्हें संतुष्टि हुई कि बहादुर शाह जफर के बाद दिल्ली पर राज करने के लिए कोई और मुगल शासक नहीं बनेगा। लेकिन बहादुर शाह जफर के कुछ बेटे, जिनमें से एक मिर्जा जवान बख्त थे, उन्हें अंग्रेज अभी भी नहीं मार पाए थे। बहादुर शाह जफर के वंशज। मिर्जा जवान बख्त जो बहादुर शाह जफर के बेटे थे, उन्हें उनकी माता जीनत महल ने 1857 की क्रांति से बचा कर रखा था और उन्हें अंग्रेज अभी भी नहीं मार पाए थे। मिर्जा जवान बख्त के एक बेटे मिर्जा जमशेद बख्त हुए और मिर्जा जमशेद बख्त के एक बेटे मिर्जा बेदार बख्त हुए, जो आजादी के बाद भारत के बंगाल में रह रहे थे अपने परिवार के साथ। मिर्जा बेदार बख्त के भी एक बेटे हुए और मिर्जा बेदार बख्त की मृत्यु 1980 ईस्वी में हो गई थी। मिर्जा बेदार बख्त की पत्नी सुल्ताना बेगम अभी भी बंगाल में अपने परिवार के साथ रह रही है, लेकिन वो इस वक्त गरीबी से जूझ रही है क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने लाल किले को लूट लिया था और लाल किले में जो कीमती चीजें थी
उन्हें वो इंग्लैंड लेकर चले गए थे, इसलिए बहादुर शाह जफर के वंशजों के लिए कुछ भी नहीं बचा। थैंक यू दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों मेरा ये वीडियो देख के आप ऐसा मत सोचिएगा कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल शासक थे, इसका मतलब वो सबसे कमजोर शासक भी रहे होंगे, बल्कि आप ऐसा सोचिएगा कि वो सबसे साहसी मुगल शासकों में से एक थे। क्योंकि जब वो 1857 की क्रांति में लड़ने के लिए आए तब उनकी उम्र करीबन 80 साल थी। थैंक यू दोस्तों।